जैसे आम HTML फाइल की इंडेक्स फाइल थी, मेन पेज यानी कि हम कहेंगे इसका जो लैंडिंग पेज है उसकी हमें SEO करनी है। एक तो वो बात है ना कि लैंडिंग पेज की SEO है डायरेक्टली, और एक है SEO, जैसे हम कह रहे थे कि भाई रोबोट्स बनानी है, साइट मैप बनाना है, ये तो SEO हो गई ना, स्टैंडर्ड स्कीमा बनाना है, ये SEO हो गई। और अगर हम ये कहें कि होम पेज की SEO करनी है तो इसका मतलब है मुझे क्या खोलना है, फ्रंट पेज इसका खोल लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं एडिट पे चला जाता हूँ, थोड़ा सा इसे आज करते हैं, थोड़ा सा अगले लेसन में करेंगे। ठीक है, ये देखिए आ गया, अभी लोड हो रहा है, मेरा ख्याल है पेज हो रहा है ना लोड, वो एंडिंग नजर आ गया था हमें जो अभी शुरू में नजर आया था ना, तो ये वही वाला इशू है ना जो भी पढ़ा है हम लोगों ने, मतलब इस हिस्से पर, मतलब यहाँ पर तो वो अफेक्ट नहीं करता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चीज़ ये वही है कि भाई आपने देखा कि जैसे ही लोड हुआ तो बिल्कुल बॉटम वाली चीज़ नजर आई, क्योंकि वो इन प्रोग्रेस था, तो उसके बाद फिर जो है ये आया। लेकिन ये टेक्निकल एसईओ नहीं है, ये मैंने आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये एग्जांपल है कि इस तरह होता है कि पहले कुछ नजर आता है, फिर लोड होते हुए ऊपर वाली चीजें नीचे चली जाती हैं, नीचे वाली चीजें ऊपर आ जाती हैं, इसी वजह से वेबसाइट की स्पीड बढ़ती है। अच्छा इधर आ जाइए, ये देखें पूरी वेबसाइट बनी हुई है। अब अगर मैं यहाँ पर इस वेबसाइट को खोलूँ, बाई हुई है लेकिन उसके ईमेल नहीं है ना उसके पास, उसका ईमेल का पासवर्ड नहीं है जहाँ से SSL ने वेरीफाई होना है, मतलब जिस अकाउंट से उन्होंने पहले बाई की थी ना, वो याहू का उनका ईमेल का पासवर्ड ढूंढ रहे हैं कहाँ है, इस वजह से ये आ गई वेबसाइट थी, वैसे भी बेचारी बहुत पुराने मॉडल की हो गई है, अब चेंज होने वाली है तो बहुत पुरानी हो गई। अच्छा मैं यहाँ क्यों लाऊंगा वैसे, आपको क्या कहते हैं बताने वेबसाइट लगा था, हाँ नहीं कुछ बताने लगा था खास बात जो, हाँ ये मैं कह रहा था कि जैसे अब ये कंटेंट है, मुझे इस कंटेंट को चेंज करना है कुछ को, देखते जाए नीचे आते जाए आते जाए आते जाए, ये सारा वेबसाइट का कंटेंट है, यही वाला कंटेंट हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है टाइटल, उससे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है डिवाइडर, ये लिखा हुआ है जी टाइटल, और ये पेंसिल बनी हुई है जी, आ गया टाइटल। यहाँ पर हमें जो कुछ करना है, ये लिखा हुआ है जी बेस्ट सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर एंड सोफा कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, हाँ जी इधर ढूंढे कहाँ है ये टेक्स्ट, नहीं हेड नहीं है ये, मैं ये वाला वो टेक्स्ट है, तो ये बड़ी बेदर्दी से बनी हुई है वेबसाइट, देखें इसकी मैं गूगल ऐड चलाता हूँ बेसिकली, और इसका स्ट्रक्चर भी कोई इतना अच्छा नहीं बना हुआ, एक तो एक दो तीन बेसिकली क्या किया उसने, तीन कॉलम्स की सूरत में इंफॉर्मेशन दी हुई है सारी की सारी। ठीक है, यहाँ से तो बात समझ में आ रही है कि ये ऊपर हेडिंग है, ये नीचे पैराग्राफ, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर भी पैराग्राफ स्टाइल ही है और नीचे भी मेरा ख्याल है स्टाइल ही चलने लगा हो। ठीक है, इसको अब हम चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, मतलब अगर हमें इसकी SEO करनी हो तो हम इसको देखेंगे कि भाई ये दो जो कॉलम्स हैं ये तो ठीक बने हुए हैं, इनकी हायरार्की ठीक बनी हुई है कि ऊपर हेडिंग है और नीचे, लेकिन पैराग्राफ के टेक्स्ट में अगर आप देखें तो बोल्ड का टैग इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, आपको समझ आ रही है, बताने की मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर आकर अब हमने वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है मगर कोडिंग नहीं करनी है कहीं भी, यहाँ पे करना क्या है, हमने जैसे इसको पकड़ लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है जी, इसको देखते हैं ये कहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाता हूँ, इसे तो बंद कर देते हैं और नीचे आए जरा, कहाँ से शुरू हो रहा था इसको देख लेते हैं ना, आवर ऑनलाइन सर्विस, ठीक है, ये क्या है जी टाइटल है, ये इसमें मैंने बोल्ड किया हुआ, इसको देख लेते हैं, चलो ये वाला टेक्स्ट देखें इसमें है बोल्ड हुआ हुआ है, लिंक भी लगा हुआ है, अब देख रहे हैं लिंक भी लगा हुआ है और बोल्ड भी हुआ हुआ है, ये लिंक है अंडरलाइन हुआ हुआ है ना, इससे अंदाजा हो रहा है कि ये लिंक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ
अब हम कह रहे हैं कि अब हमने यहां पर एंकर का टैग लगाना है। कोडिंग में एंकर का टैग लगाते थे, यहां पर मैंने क्या किया कि जहां पर मैंने लिंक करना है वहां पर ये ऑप्शन आ रही है मेरे पास, इंसर्ट एडिट लिंक, क्योंकि लिंक ऑलरेडी लगा हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा। ये देखें क्या हुआ, पेज आ गया जिसके साथ हमने लिंक करना है। बस यहां पर क्या करना है, उस लिंक को यूआरएल को पेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ, ये लिखा हुआ अपोस्टिक क्लिनिक, सपोज मैं कहता हूँ भाई इस हिस्से को मैंने लिंक करना है, ये तो लिंक नहीं बना हुआ अभी ऑलरेडी, तो मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर आकर मैंने जिस यूआरएल के साथ इसको लिंक करना है, यहां पर मुझे एएचआरएफ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर आकर मैं वो वेबसाइट का नाम लिख दूंगा। ये मैंने वैसे समझाने के लिए लिखा, मैं करूंगा नहीं ऐसे, ठीक है। बस अप्लाई का बटन बना हुआ है, लग गया एंटर। ये था वो कह रहा था, अभी हम टेक्निकल एसईओ में पढ़ के आए थे, क्या कह रहा था, इंटरनल लिंकिंग आपकी होनी चाहिए, मतलब यहां पर आपने बेसिकली ये करना है इसी के किसी सब पेज का लिंक दे देना है। मिसाल के तौर पर मैं यूं कह देता हूं कि इसके सब पेज के कौन से का दें, ये सर्विसेज का पेज आ गया, तो यहां से मैं इसे कॉपी करूंगा, यहां से मैं इसे कॉपी करूंगा, इधर आएंगे और यहां आकर इसको पेस्ट कर देंगे। इधर से जाएंगे सेटिंग्स पे, ये क्या लिखा हुआ है, ओपन लिंक इन न्यू विंडो, ठीक है। और ये बड़ा पुरानी कोई टेम्पलेट है इसकी, मतलब लेटेस्ट नहीं है ये, काफी पुरानी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनी हुई है, इसलिए कोई इतनी लेटेस्ट फीचर्स इसमें नजर नहीं हमें आ रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया सारा कंटेंट के ऊपर काम करना, मतलब यहीं पर हमने टाइटल एडजस्ट करना है, यहीं पर हमें पैराग्राफ में बोल्ड और स्ट्रांग को यूज करना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई ये भी मेरा एक कीवर्ड है, सपोज करें ये, तो मैं इसको बोल्ड कर दूंगा, बोल्ड का टैग लग गया, ठीक है, यानी कि ये हमारा बोल्ड का टैग लग गया। अब आपको अंदाजा भी हो गया होगा कि यहां पर ऑन साइट एसईओ मुश्किल अब आपके लिए नहीं है, ठीक है। यहां हमने इसके सारे पेज को इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से हम सारे को जिस जिसको मैंने करना होगा मैं उसको पिक करता जाऊंगा, लेकिन मैंने इनमें से किसी चीज के साथ मिस हैंडलिंग नहीं करनी। ये मैं इस पर क्लिक करूंगा तो डिलीट हो जाएगा ब्लॉक पेज में से, वेबसाइट में से निकल जाएगा। तो हमें, मुझे भी अगर कोई चीज ठीक नहीं लग रही होगी तो मैं उसे कहूंगा भाई इसको आप एडिट करवा कर दे, वो एडिट मुझे करवा देगा, उसके बाद मैं इसकी एसईओ इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया ऊपर काम करने का तरीका सारा। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या इस पर एसईओ लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। नीचे आए जरा, अब नीचे चलते हैं जो शुरू में आ गया था हिस्सा इसका ऊपर। ये सारी वेबसाइट है ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं नीचे आता जा रहा हूं, सब ब्लॉक्स बने हुए हैं। ये कौन सा हिस्सा देख लें, ठीक है, ये भी सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है सारा। हाँ, आप देख रहे हैं इसमें ना लिंक है, ना इस पे लिंक लगा हुआ है, ना ये बोल्ड हुआ हुआ है, ना इस पे स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, ना इंटरनल लिंक लगा हुआ है, ना एक्सटर्नल लिंक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास चॉइस मौजूद है करने की। अब इसकी एसईओ को भी वो रेड कलर में शो कर रहा होगा, कर रहे, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं, दिखा रहे यूज्ड एसईओ, भाई चले जाओ नीचे। अच्छा, ये देखें, ये आ गए, ये नीचे एसईओ एनालिसिस आ गए। उससे पहले देखें जरा ऊपर क्या आ रहा है, ये एसईओ टाइटल है। अब यहां से हमने एसईओ को अपना टाइटल भी देना है। ये टाइटल देने के लिए इसने क्या तरीका रखा हुआ होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है इसने, मतलब इसने अपना स्टाइल रखा हुआ है, ये वेरिएबल्स उसने बनाकर दिए हुए कि आपका टाइटल, आपका पेज सेपरेटर और साइट का टाइटल। अगर आपको ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं, आप खुद से लिख दें, इसको रिमूव करें और खुद लिख दें ये सारी चीजें, ठीक है। मैं इसका टेक्स्ट खत्म करूंगा तो ब्लॉक खत्म हो जाएगा बीच में से, कोई भी टेक्स्ट इसमें से रिमूव करूंगा। उसके बाद स्लग, स्लग तो समझ आ गई है आपको, यूआरएल, यूआरएल क्या होगा उसका, अभी टेक्निकल एसईओ में हमने स्लग देखा था ना, तो यहां पर हम स्लग इसको देंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन भी नहीं है इसके अंदर लिखी हुई, ठीक है, टैग नहीं लगानी है हमने, सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है कि जैसे ये सोफा कारपेट वॉशिंग है तो हम ये लिख देंगे कि सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, या क्वालिटी सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर। और हमने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका सीखा हुआ है कि इसके अंदर हमने क्या यूज करना है, कीवर्ड यूज करना है, और 160 से 170 कैरेक्टर में हमने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है, 60 से 70 कैरेक्टर में हमने टाइटल लिखना है, तो वो सब कुछ यहाँ पर भी लिख रहे हैं।
उसके बाद मैं इस SEO पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि भाई क्या करना है, आपने क्या क्या हुआ हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ हुआ। ये ग्रीन हुए हैं जो, इसका मतलब है कि ये वाला SEO काम हमने किया हुआ है और ये वाले काम अभी इसके होने वाले हैं। जी क्या लिखा हुआ है जी? सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है? की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कहता है की फ्रेज आपने जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है क्या इवनली किया हुआ है, इस चीज को आप चेक करें, ठीक है, ये तो ठीक ही होगा। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? आउटबाउंड लिंक्स, नो आउटबाउंड लिंक्स अपीयर इन दिस पेज, यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई आउटबाउंड लिंक ही नहीं बना। मैंने अभी दिखाया भी है कि जो आपको वेबसाइट से एक्सटर्नली बाय लेकर जा रहा है, वो चाहे आपका है या किसी और का है। तो कहते हैं आपकी वेबसाइट पर आउटबाउंड लिंक्स भी होने चाहिए। तो मैं एक दो जब जो जो काम मैं करता जाऊंगा ना, वो ग्रीन कलर में आता जाएगा, यानी कि मुझे यहाँ से पता लगता जाएगा कि मैंने ये वाला फैक्टर इसका पूरा कर दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी? की फ्रेज लेंथ, नो फोकस की फ्रेज वाज सेट फॉर दिस पेज। कहते हैं आपने कोई कीवर्ड ही नहीं रखा हुआ इसका, यानी कि आप यहाँ पर टर्न चेंज हो गई सिर्फ, क्या कह दिया उसने, फोकस कीवर्ड। लेकिन कहता है कीवर्ड, फोकस कीवर्ड आपका हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, नो मेटा डिस्क्रिप्शन हैज बीन स्पेसिफाइड। अभी हमने देखा भी है कि मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लगी हुई, तो कह रहा है कि भाई मेटा डिस्क्रिप्शन लगाओ, यानी वही सारे काम जो उधर कर रहे थे कोडिंग की मदद से, यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन देनी है हमने आकर से। स्टैंडर्ड्स वही फॉलो करने हैं, सिंगल टाइटल, H1 शुड ओनली बी यूज्ड एज योर मेन टाइटल, फाइंड ऑल H1 एज योर टेक्स्ट आर नॉट मेन टाइटल्स। कहता है अब आपने H1 बहुत सारे देख रहे थे ना, बड़े बड़े कितने टैक्स नजर आ रहे थे हमें, वो सारे के सारे H1 टैग थे। तो कहता है आपने बहुत सारे H1 टैग लगाए हैं, तो H1 को तो आपको क्या बनाना है, मेन टाइटल बनाना है, आगे से कंटेंट नहीं बनाना आपने, जो हम शुरू वाले लेसन में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कहता है जो आपने कंटेंट बनाना है वो H1 में नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहे जी? इमेज की फ्रेजेस वो रेड से ऑरेंज में आए हुए हैं। सो इसका मतलब क्या है, कहीं कहीं इमेज के की फ्रेजेस इस्तेमाल, कीवर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं कहीं कहीं, लेकिन और करने की जरूरत है। इमेजेस कहता है ठीक लगे हुए हैं आपके, इंटरनल लिंकिंग भी कहता है हुई हुई है इसमें, ठीक है, कुछ लिंक्स होंगे इसके पास। टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट कितना है। तो कहता है आपकी वेबसाइट का कंटेंट भी ठीक है, मतलब कितना इसने दिया हुआ है, 388 वर्ड्स, कहता है इट्स ओके, 400 500 ठीक है जी। SEO टाइटल भी कहता है वो भी आपने ठीक रखी हुई है। ये वाले स्टैंडर्ड, ये वाले फैक्टर्स जब हम फॉलो करेंगे तो हमारा SEO स्कोर और बेहतर हो जाएगा। और ये बहुत पुराना, ये देखें, ये स्कीमा भी आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे स्कीमा भी आ गया, ये ले, वो मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं क्या उधर जाके स्कीमा वैलिडेटर में जाकर, स्कीमा क्रिएटर में जाकर स्कीमा बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपने ये प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है तो ये खुद ही स्कीमा बना रहा है। और यहाँ से आप बताएंगे वही चीज़ें आ गई हैं सारी जो उधर भी आ रही थी हमारे पास, पिछला लेक्चर जो हमने पढ़ा स्कीमा का। तो कहता है यहाँ से सिलेक्ट कर लें आप, यहाँ से अपने पेज की टाइप सेलेक्ट कर लें, बस इनफ, बहुत हो गया, ठीक है। बाकी इसका एक छोटा सा लेसन और कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है।